तो चलें फिर आज की स्ट्रीम शुरू करते हैं मैं बेसिकली आज एवोल्यूशन के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ और ख़ास तौर पे ह्यूमन एवोल्यूशन पे देखें एवोल्यूशन एक रियलिटी है एवोल्यूशन इस ज़मीन के ऊपर जितने जानदार हैं उनकी रियलिटी जो है वो एवोल्यूशन है और एवोल्यूशन वो मकैनिज़म है जिसके थ्रू नए नए जानदार जन्म लेते हैं नए नए जानदार बनते हैं और फिर उन जानदारों से मज़ीद नए जानदार बनते हैं और जितनी भी जिंदगी आपको इस ज़मीन पे नज़र आती है एवोल्यूशन के अलावा कोई भी ऐसा मकैनिज़म कोई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क कोई रिलीजियस फ्रेमवर्क या या नॉन रिलीजियस फ्रेमवर्क जो है वो या साइंटिफिक फ्रेमवर्क भी कोई ऐसा आज तक एवोल्यूशन के अलावा डेवलप नहीं किया जा सका और मतलब एवोल्यूशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि Millions of शायद millions of स्पीशीज़ जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं उनको अकाउंट कर सकती है और ये कह सकती है कि ये किस तरह से बने और इंसान भी एवोल्यूशन की एक लंबी लड़ी से ही चलते हुए आज तकरीबन तीन अरब साल बाद इंसान ज़मीन के ऊपर मौजूद है और इंसान जो है ज़मीन के ऊपर खड़ा होकर यह सोचता है कि वो कहाँ से आया और जब इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की जाती है पुराने वक्तों से भी इंसान जारी बात है इस बात का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा था जब वो इसका जवाब तलाश करता है तो उसको क्या लगता है उसे ये लगता है कि नहीं यार मैं तो बड़ा अक्लमंद हूँ मैं बड़ा समझदार हूँ मैं मैं सोच सकता हूँ मैं मैथमेटिक्स के पजल सॉल्व कर सकता हूँ मेरा एक कल्चर है मैं एक लबास पहनता हूँ मैं ज़ुबान बोलता हूँ मेरे असूल हैं मेरे कानून हैं मैं जो हूँ शायद जानवरों से मुख्तलफ हूँ मगर असल में ऐसे नहीं होता असल में आप ये नहीं कह सकते कि इंसान इनसे डिफरेंट है इंसान भी इनसे ही मिलता जुलता है अगर देखा जाए तो जम्... अगर इंसान के सेल्स को देखा जाए इंसान के सेल्स भी जो हैं वो उसी तरह जिस तरह जानवरों के या जमीन के ऊपर जितने भी दूसरे जानदार हैं उनके सेल्स की तरह ही होते हैं एक न्यूक्लियस होता है और फिर बाकी उसके बाकी के जो न्यूक्लियस के बाहर जितना कुछ होता है चाहे वो चाहे वो आ, क्या उसे कहते हैं यार अब जहन से बात निकल निकल गई है चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो या बाकी जो सेल की जितनी भी फैक्ट्री होती है वो सारी की सारी जो है वो सिमिलर है उसमें कोई डिफरेंस हमें नज़र नहीं आता मतलब एक जैसे ही है और सेल के सेंटर में आपको क्या नज़र आता है आपका न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर क्या है न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है और डीएनए जो है सारे लाइफ फॉर्म्स सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो इसी के अंदर क्या होते हैं वो पाए जाते हैं मतलब सारे लाइफ फॉर्म्स के अंदर यही डीएनए पाया जाता है डीएनए का पेयर डीएनए की लेंथ डिफरेंट होगी और जैसे अब देखें कोई भी जुबान है जैसे मैथमेटिक्स की अगर, अगर को हम एक लैंग्वेज कंसिडर कर लें तो इसमें दस डिजिट्स हैं डीएनए के अंदर चार होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं जो कि चार होती हैं ये ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनसे मिलके अमीनो एसिड्स जो हैं तकरीबन तो कोई पैंतीस से चालीस किस्म के अमीनो एसिड जो हैं उनसे मिल के लाइफ बनती है और ये जितना भी डी एन ए है वो सब जानदारों के अंदर मौजूद है और एक जैसा ही जो है वो मौजूद है और हाँ उसकी जो तरकीब है क्या जो उसका उसकी जो जैसे फर्ज़ करें आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है एक टेक्स्ट फाइल के अंदर हर टेक्स्ट फाइल के अंदर डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं और वो जो टेक्स्ट फाइल होती है फ़र्ज़ करें एक टेक्स्ट फाइल के अंदर आपने जैसे कंप्यूटर के ऊपर कोई भी वर्ड में फाइल लिख लें या कोई नोट पैड के अंदर कोई फाइल लिख लें हर फाइल के अंदर कुछ ना कुछ मुख्तलिफ़ लिखा होता है तो ये डी एन ए जो है बेसिकली वो तरकीब है या कॉम्पोजिशन है जो कि बायोलॉजी को बताती है कि तुमने क्या करना है कैसे करना है किस वक्त पर करना है जितना भी जिंदगी की जो तरकीब है वो डी एन ए के अंदर लिखी होती है और हमारे पास ये एविडेंस है कि डी एन ए इन इट सेल्फ इवॉल्व हुआ है जब किसी जानदार की एवोल्यूशन होती है तो वो बेसिकली किस चीज़ की एवोल्यूशन होती है वो उस जानदार का डीएनए चेंज हो रहा होता है यानी एवोल्यूशन किस चीज़ का रिजल्ट है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डीएनए है वो चेंज होता है वो म्यूटेट करता है उसके अंदर छोटी छोटी चेंजेस होती हैं और ओवर द कोर्स ऑफ बिलियंस ऑफ इयर्स क्या होता है वो चेंजेस जो हैं वो किसी एक खास डायरेक्शन में चेंज की को लेके जाती हैं और वो चेंज फिर क्या करती है वो जानदार के अंदर नजर आती है तो सभी जानदारों के अंदर देखें हम समझेंगे कि एक जानदार है उसके अंदर आँखों की तरकीब बताने वाला एक डी एन ए होगा डेफिनेटली होगा मगर सब जानदारों के अंदर जितने भी जानदारों में खून है रेड ब्लड सेल की तरकीब का एक एक डी एन ए के अंदर ही कहीं पर लिखा होगा किस तरह बनाया जाएगा फिर उसी के मुताबिक उसके अंदर यह भी लिखा होगा कि बाल किस तरह बनेंगे उसके मुताबिक उसके अंदर आपकी आपकी हड्डियों का मेकअप तक उसके अंदर लिखा होगा और वो कुछ कुछ डीएनए आपका ऐसा है कि आप माँ के पेट में थे तो वो एग्जीक्यूट हो रहा था कुछ डीएनए आपका ऐसा है कि आप अपने जब अब, जब अब आप आपकी ग्रोथ हो रही है आप बच्चे आप बड़े हो रहे हैं तो तब तक वो वो एक्टिव है फिर उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाएगा कुछ ऐसा है जो आपके आपका सारी जिंदगी एक्टिव है तो ये सब जो चीजें हैं फिर जेनेटिक जेनेटिकली कई प्रॉब्लम्स भी लोगों को होते हैं कई जगहों पर एग्रेसिव जीन्स ऐसे होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम किसी इंसान में या किसी जानवर में दिखाई देने लगता है तो ये सब कुछ होता है तो इंसान बेसिकली इंसान की एवोल्यूशन हुई कैसे ये अब एक सोचने वाली बात है और, और इस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है फॉसिल्स मिल चुके हैं लाखों साल पुराने फॉसिल्स ऐसे मिल चुके हैं जिनको देख देख के जिनके ऊपर रिसर्च करके आज हम इस काबिल हैं कि हम एक रफली ये बात बता सकते हैं कि इंसान की एवोल्यूशन कैसे हुई और इंसान कैसे बाकी के तमाम जानदारों से जुड़ा हुआ है जैसे अगर आप देखें एक घोड़ा एक गधा और एक जेबरा है ये दोनों जेनेटिक कजन हैं ठीक है एक घोड़ा और एक गधा है ये भी दोनों जेनेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड है और काफी ज्यादा रिलेटेड है तो क्या होता है अब शेर है और चीता है और शेर और टाइगर है ये भी दोनों आपस में जेनेटिकली जुड़े हुए हैं ये क्लोज स्पीशीज़ हैं मगर इंसान का हमें कोई ऐसा जेनेटिक कज़न आज नज़र नहीं आता आज नहीं नज़र आता मगर आज से तकरीबन पंद्रह से बीस हज़ार साल पहले इंसान का जो आखिरी जेनेटिक कज़न था नैंडाटॉल्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे और वो किस लिए एक्सटिंक्ट हुए इसके ऊपर बहुत एक लंबी चौड़ी बहस है मगर एक जो बात है वो हम ये जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट थी वो इस तरह से चेंज हुई कि वो उनके लिए साजगार नहीं थी या उनके लिए फेवरेबल नहीं थी इसलिए वो एक्सटिकट हो गए तो एक्सटिंक्शन जो है ना एक एवोल्यूशन को समझने में बड़ा काम करती है क्योंकि एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन साथ साथ चलते हैं जो जानवर अब अपवायरमेंट के मुताबिक नहीं रहते वो एक्सटिकट हो जाते हैं और जो जानवर एन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज हो जाते हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं होते उनकी नस्ल आगे चलती रहती है और आज जितने भी जानदार आपको ज़मीन के ऊपर नजर आते हैं वो सब के सब एवोल्यूशनरी सक्सेस स्टोरी हैं एक उनके एनसेस्टर्स जो थे जो आज आज उनसे डिफरेंट होंगे आज से एक मिलियन साल पहले मगर आज क्या हुआ आज वो उनसे डिफरेंट है और अगर वो उन उनमें एक मिलियन साल के दौरान डिफरेंस क्रिएट ना हुआ होता उनके अंदर एक मिलियन साल के दौरान जो है वो डिफरेंस ना क्रिएट हुआ होता और वो एक मिलियन साल के अंदर चेंज ना हुए थे माहौल के मुताबिक जैसे नैंडा के मामले में एक बात है कि होमोसेपियंस और ने, होमोनो एंडाटोल्स के दरमियान एक डिफ, डिफरेंस था एक बात यह थी कि जो होमोसेपियंस थे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलर्स थे और होमोनो एंडाटोल्स जो थे वो क्या थे वो सिर्फ अपने इलाके में ही कैद रहते थे उससे निकल के इधर उधर नहीं जाते थे और आईसीएज के दौरान वो ठंडे इलाकों में ज्यादा रहते थे मगर होमोसेपियंस की एवोल्यूशन किधर हुई होम, होमोसेपियंस की एवोल्यूशन अथोपिया यानी यानी सॉरी अफ्रीका में हुई और अफ्रीका के उन इलाके में हुई जो कि आइसेज के, के दौरान भी काफी क्या थे वो वो कदरे गर्म थे उधर हर वक्त बर्फ नहीं रहती थी और इसलिए इंसान वहां पे इवॉल्व हुआ मगर होमन एंडल्स जो थे वो पूरी यो यूरोशियन प्लेट जिसको आप कहते हैं एशिया और एशिया और यूरोप इवन के इंडिया और चाइना के इलाके तक ये जो हैं ये फैले हुए थे मगर जब एज वापस जाती रही तो ये लोग अपनी इन्वामेंट से कंपेटेबल नहीं रहे क्योंकि एज जब नहीं रही ज़मीन गर्म हुई उस मुकाबले में एज के वक्त के फिर क्या हुआ ये इस काबिल नहीं रहे कि ये ज़मीन के ऊपर ज़िंदा रह सकते और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हुए एक्सटिंक्ट हो गए तो इंसान की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो बड़ी बड़ी पुरानी है इंसान जो है वो होमनिड या होमन ग्रुप का हिस्सा है एवोल्यूशनरी जो के जो के जो जिसके अंदर काफ़ी स्पीशीज हैं आते उसका हिस्सा है और आज से एक करोड़ और नब्बे लाख साल पुराने जो हैं वो फॉसिल्स मिले हैं तंज़ानिया के अंदर जिनसे ये पता लगता है कि इसी इस वक्त ये जो तंजानिया की जगह थी अफ्रीका में ये कोई एक ऐसी जगह थी जो कि जिसे क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है और पैंसठ लाख साल पहले अफ्रीका में हमें एक एक एप लाइक या बंदर जैसा जानदार मिलना शुरू होता है जो कि दो टांगों पर चलता है और साइंटिस्ट समझते हैं या एवोल्यूशनरी एवोल्यूशन को जो स्टडी करते हैं वो ये समझते हैं कि यही इंसान का जो है वो वो एनसेस्टर था ठीक है अच्छा जी सारा साहब का बहुत शुक्रिया सुपर चैट भेजने के लिए और इसके साथ और क्या है जी हाय गालिब डॉक्टर कूपर कह रहे हैं हाय गालिब एंड चैट आई होप एवरी हाँ जी बिल्कुल अच्छा तो पैंसठ लाख साल पहले अफ्रीका में जो ये बाईपीडल एप्स मिलने शुरू होते हैं और ये आमतौर पर दरख्तों पर रहते थे मगर बाईपीडलिज्म इनमें था बाईपीडलिज्म की एक ये भी बात है कि टहनियों के ऊपर चल चलने के लिए बैलेंस करने के लिए पहले सबसे बाईपीडलिज्म डेवलप होता है कि कई जानदार ऐसे भी जानदारों ने अगर फल तोड़ लिया दरख्त से बंदर जानदार ने तो उसको फिर सिर्फ अपने पाँव की बेस पर चलना है और इसलिए आहिस्ता आिस्ता जो इनिशियल बायोपिडलिज्म है वो दरख्तों के ऊपर ही डेवलप होता है मगर जब ये दरख्तों से नीचे उतरते हैं तो ये जो था इस ये जो सबसे पहला इंसान का जद अमजद या इंसेस्टर था इसे सेलहेंथ्रोथिस चाडेंसिस कहा जाता था अब इसका नाम इतना मुश्किल है सेलहेंथ्रोपिस चाइडेंसिस चाडेंस, और ये तकरीबन आज से उनतालीस ये तकरीबन आज से तकरीबन पैंसठ लाख साल पहले मौजूद था इसके बाद फिर आज से तकरीबन थर्टी नाइन या उनतालीस लाख साल पहले क्या हुआ अस, अस्ट्रोलोथोपिक जो है वो अफ्रेंसिस उसका उसकी जो है एवोल्यूशन हुई और ये अफ्रीका ईस्टर्न अफ्रीका में और जो सदर्न अफ्रीका के जो ग्रासलैंड्स थे वहाँ पे ये जो अस्ट्रोलोथ तो, थे, ये फैल गया और बड़े बड़े पैमाने पे जो ग्रास थे उनके अंदर ये मौजूद था इसका कद छोटा था मगर और पाओ के निशान बिल्कुल इंसान से इसके कई जगह पे डिस्कवर हुए हैं जो मिलते हैं और जो भी इसकी इसके इसके इसकी स्केलेटल रिकंस्ट्रक्शन स्केलेटन की बेस पर बॉडी रिकंस्ट्रक्शन की गई है उसके मुताबिक इसके पाओ के निशान बिल्कुल इंसान जैसे पाओ इंसान से मिलते जुलते हैं जिसका मतलब है कि ये ट्रू बाईपीडल था और और फिर ये और बात है कि इससे इससे इसके बाद फिर इस ज्यादा पर चलने वाले जानदार जो हैं है इवॉल्व होने लगे आज से तकरीबन ट्वेंटी फाइव ईयर पच्चीस लाख साल पहले होमोहबेल जो हैं वो उनका वो इवॉल्व हुए वो इंसान के मुकाबले में उनका कद जो है वो छोटा था मगर वो एक ख़ास स्टेपिंग स्टोन थे जि, जिसके बाद आ, होमो औरटस की जो है वो एवोल्यूशन हुई है और होमो औरक्टस जो है वो होमोजेनस का एक बड़ा ख़ास जानदार माना जाता है क्योंकि वो बड़े एक लंबे अरसे तक इवन के नैंडाटॉल और इंसान यानी होमोसेपियन जमीन पे मौजूद थे और तब भी होमोरैक्टिस जो था वो ज़मीन के ऊपर जिंदा था तो आज से उन्नीस लाख साल पहले होमोहेबिल्स से होमो रेक्टस इवॉल्व हुआ और इस एक बड़ा मशहूर फॉसिल है जिसे तरकाना बॉय कहा जाता है वो भी मिला हुआ है जो कि होमो रेक्टस का फॉसिल है और इसके साथ इसकी जो कद काठ था वो इंसान के बराबर था और जि, और ये बड़े अडेप्टिव थे जिस वजह से इन्होंने अफ्रीका से निकल के किधर हिजरत की ज़मीन के ठंडे हिस्सों में भी जहाँ पे एज के फैक्ट्स बड़े प्रॉपरली हमें नजर आ रहे थे वहां पे भी ये गए तो आज से पांच लाख साल पहले होमो रेक्टस जो कि होमो होमो हबिल से जिनका एवोल्यूशन हुई थी यूरोप में आए जहाँ इन्होंने महमत हाथियों और गैंडों यानी जो आ, राइनोस थे वूली वूली मेमथस और राइनोस पत्थर से बनाए हुए नेजे बनाए और उनसे इन्होंने इनका शिकार किया और ये पहले वो होमिनन स्पीशीज़ थे जिन्होंने इतने बड़े जानदारों का शिकार किया तो जो पहले जदीद होमोसेपियस यानी जो मॉडर्न होमोसेपियन है, उनकी जो उनके जो फॉसिल्स हैं अब तो तकरीबन सवा तीन से साढ़े तीन लाख साल पुराने जो है हमारे सामने नज़र आ रहे हैं हमें एनाटॉमिकली मॉडर्न अब आप ये नहीं कह सकते कि उनकी इंटेलिजेंस भी इंसान के बराबर होगी डेफिनेटली वो तो नहीं थी मगर एनाटोमिकली बिल्कुल जसामत में वो इंसान आज के इंसान जैसे लगते थे तो वो आज से तकरीबन तकरीबन तीन सवा तीन लाख साल पहले उनके फॉसिल्स हमें मिलते हैं दूसरे नंबर पर जो हमारे जो क्लोजेस्ट हमारा जो कजन था वो था होमो नैंडाटॉल और नैंडाटॉल्स जो थे वो क्या थे वो भी बिल्कुल इंसान की तरह ही थे मोस्ट प्रॉब्ली उनकी इंटेलिजेंस भी हमारे जितनी थी उनका जो दिमाग का जो 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 उनकी जो खोपड़ी के अंदर जारी बात है किसी भी जानदार की खोपड़ी आप देखते हैं तो उसके अंदर से आपको पता लग गया था कि इसका दिमाग कितना बड़ा होगा तो उनके दिमाग इवन के इंसान से थोड़े से आपको बड़े नजर आते हैं और ये क्या हुआ है देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखने वाली है कि उस वक्त आइस एज के दौरान हम एक बात जानते हैं कि जो सतह समंदर थी जो सी लेवल था वो बहुत नीचे था उसकी वजह से बहुत से ऐसे जो हैं वो आपस में जुड़े हुए थे इलाके जमीन के लैंड ब्रिज के जरिए जो कि आज नहीं जुड़े हुए जैसे एशिया से जो साउथ ईस्ट एशिया वहां से लैंड ब्रिज के जरिए पूरा ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था इवन के अगर आप चाहते तो आप ऑस्ट्रेलिया से जमीनी रस्ते से इंडिया और इंडिया से इवन के आप अमेरिका यूरोप और यूरोप से अमेरिका भी आप जा सकते थे लैंड लैंड ब्रिजेस क्योंकि मौजूद थे तो जब होमो होमोसेपियंस ने आज से तकरीबन दो लाख साल पहले ज़मीन के उन इलाकों की तरफ आना जाना शुरू किया आ, आना शुरू किया जहाँ पर नैंडा टॉल्स रहते थे तो इनका मोस्ट प्रॉब्ली उनसे कॉम्पटिशन था और शायद लड़ाई भी होती हो सारी बात है कि हंटर हंड्रेडर देश के अंदर क्या था एक मसला कि इंसान जो था वो ज़मीन के ऊपर लाया करता था वो ख़ुद कुछ नहीं उगा रहा था जानवरों की हर्डिंग नहीं कर रहा था यानी एग्रीकल्चर ना कैटल फार्मिंग थी ना पौधे उगाने का कोई सिस्टम था तो अगर ए उस वक्त अगर आप एक किलोमीटर स्क्वायर के इलाके को देखें तो वो आज जितने इंसानों को एग्रीकल्चर और कैटल फार्मिंग की वजह से सपोर्ट कर सकता है अगर वो आज एक हज़ार लोगों को कर सकता है तो शायद उस वक्त वो मुश्किल वो दस से पंद्रह लोगों को भी सपोर्ट नहीं कर सकता था क्योंकि जाहिर बात है कि आपने यहाँ तो झाड़ियों में जो फल लगे हैं वो खाने हैं या फिर जो भी शिकार जानवर आप उस इस इलाके में शिकार कर सकते हैं वो कर सकते हैं उससे ज़िंदगी अपनी गुजार सकते हैं फिर रहने के लिए इंसान और नेंडाटॉल्स दोनों जो हैं वो क्या करते थे वो किस चीज़ पर करते थे वो रिलाई करते थे ग़ारों के ऊपर और फिर ज़ाहिर बात है बाद अजा हमें यह भी नज़र आता है कि इंसानों ने खेमे बनाने शुरू किए जो कि जानवरों के चमड़े से और और कुछ इस तरह की चीज़ों से बनाए गए होते थे मगर रहना फिर भी बड़ा ही मुश्किल था कोई आसान सिचुएशन नहीं थी इसलिए कंपटीशन मेरे ख़्याल में डेफिनेटली मौजूद था और इस बात का भी ये सबूत है कि हमारे डीएनए के अंदर ही किस चीज़ के डीएनए का सबूत है हमारे कज़न यानी होमो होमो नैंडाटोल के भी डीएनए का सबूत है और तकरीबन इंसान का जो डीएनए है जो यूरेशियन लोग हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा या तकरीबन तीन परसेंट है और सबसे कम जो है वो किसके अंदर है वो जो अफ्रीकन अफ्रीकन नस्ल के जो लोग हैं उनके अंदर सबसे कम जो है वो नैडाटॉल का डीएनए मौजूद है तो ये ये एक चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से मगर इसके साथ साथ हम ये जानते हैं जैसे मैंने बात शुरू की थी डीएनए से और डीएनए एविडेंस जो है वो सबसे सबसे मजबूत एविडेंस है किसी भी जानदार के दो दो जानदारों के दरमियान लिंक कितना पुराना है अब देखें दो जानदार जो भी होंगे चाहे इंसान है या कोई फर्ज करेंगे तो जितने ज्यादा डीएनए मैच होगा उतना ही ज्यादा मतलब उतना ही कम वक्त इनको हुआ होगा आपस में सेपरेट हुए यानी उनका कॉमन एंसेस्टर उस वक्त पे एक, कम एक वक्त पे एग्जिस्ट करता हो तो अगर हम चिंपैंजी और इंसान का देखें तो हमारा 98.6 परसेंट जो है वो डीएनए एक जैसा मिलता है और और अगर नैंडाटॉल का देखें तो वो तो फिर जारी बात है कि जो है तकरीबन वो तो 99 परसेंट से भी 99.56 परसेंट से भी ऊपर हमारा डीएनए एन के साथ मिलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सबसे रिसेंट जो इंसेस्टर है वो नैंडाटॉल है और मगर अब एक चीज़ है कि अब जब शुरू में शुरू में 1954 में डीएनए डिस्कवर हुआ और उसके बाद डीएनए से हमें यह पता चलना शुरू हुआ कि इंसान का डीएनए में हर हर जानदार के डीएनए में कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम्स यानी वो लार्ज ग्रुप्स होते हैं मतलब डीएनए के स्ट्रैंड्स होती हैं उनके लार्ज ग्रुप्स होते हैं जो कि हर जानदार में होते हैं अब अब जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो तेईस हैं और जाहिर बात है कि डार्विन ने जब एवोल्यूशन के ऊपर अपनी रिसर्च पेश की थी डिसेंट ऑफ मैन और, और न, न, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर तो डार्विन ने क्या बताया था डार्विन ने ये बताया था कि भाई जानदार एक दूसरे से वाल्व हुए हैं और डार्विन ने किन चीजों के ऊपर बताया था एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर इंटरनल ऑर्गन्स के फीचर्स के ऊपर डार्विन ने ये बताया था कि सब जानदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मगर डार्विन को ये नहीं पता था कि जो 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 एवोल्यूशन की स्मोकिंग गन है वो क्या है स्मोकिंग गन का क्या मतलब है कि जैसे रात के वक्त या आप किसी इलाके में हैं और आप मिल नहीं रहे किसी को भी मगर एकदम आपके पास एक गन है जो कि फ्लैश गन होती है स्मोक गन होती है आप एक जैसे ही उसे आप मारते हैं उसे चलाते हैं तो एकदम धुएं धुआं उठता हुआ ऊपर जाता है और दूर दूर से पता लग गया था कि इस जगह पे आप मौजूद हैं तो जो स्मोकिंग गन थी वो डार्विन को नहीं पता थी डार्विन को जेनेटिक्स का कुछ पता नहीं था डार्विन को सिर्फ ये पता था कि भाई मैं गलापकस आइलैंड्स में गया मैंने देखा फ्रेंचिज़ एक जैसी थी फिर उसने मुख्तलिफ आइलैंड्स के ऊपर जब उसने देखा तो फ्रेंचिज़ के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस उन, उन, उन आइलैंड्स के हिसाब से कि उन आइलैंड्स के ऊपर कैसी इन्वायरमेंट थी उस हिसाब से उसने डिफरेंस देखा फिर उसने जब इन चीज़ों को दूसरे स्पीशीज़ पर अप्लाई किया तो उसने बताया कि हाँ भाई ये फलाँ का कज़न है तो ये फ़लाँ का कज़न है इंसान के इंसान की के हाथ में इतनी उंगलियाँ और इतनी हड्डियां होती हैं तो बाकी जानदारों के हाथों पंजों में भी इतनी ही हड्डियां हैं कोई हड्डी कहीं छोटी हो जाती है कोई हड्डी कहीं बड़ी हो जाती है मगर डीएनए का जो है वो कोई पता नहीं था डार्विन को मगर जब डीएनए सामने आया तो क्या हुआ जी जाहिर बात है कि डारविन के वक्त से ही जो है क्रिश्चियन जो जोपोलॉजिस्ट थे उनके दरमियान और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और ओवरऑल बायोलॉजिस्ट के दरमियान एक बहुत बड़ी बहस और बहुत बड़ी जंग चल रही थी तो जब डार्विन को पता चला मतलब जब जब डीएनए जो है वो हुआ दरियाफ्त या डीएनए की डीएनए के बारे में जब इंसान को पता चला और इंसान ने डीएनए को डिस्कवर किया तो उस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई कि इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं 23 और इंसान के जो सबसे करीब रेवोल्यूशनरी कजन आज हम मानते हैं जो कि ग्रेट एप्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की जो है वो तादाद कितनी है वो है जी ट्वेंटी फोर तो हमें क्या पता लगा इस बात से ये बात सामने आई कि भाई आप जो हैं आप इवॉल्व आप आप उनके साथ इवॉल्व नहीं हुए और जितने भी जो हमारे पास जो जो दूसरे जो एवोल्यूशन की मुखालफत करने वाले लोग थे वो क्या कहने लगे कि भाई ये तो इंसान इसका मतलब है कि इवॉल्व नहीं हुआ उन्होंने कहा कि भाई 23 थ्री क्रोमोसोम्स जो हैं वो इंसान के हैं और इनके जो ग्रेट एप्स हैं इन है बनोबो है गोरीला है और अंगाटैन है इनके तो 24 फ़ोर हैं तो भाई हम कैसे मान लें कि जी इंसान जो है वो इवॉल्व हुआ है इन ये इंसान के एवोल्यूशनरी कज़न है या इंसान भी इवॉल्व हुआ है तो उस वक्त फिर जब क्रोमोसोम्स के ऊपर मजीद रिसर्च हुई तो एक बात पता चली ये जो है इंसान का क्रोमो क्रोमोसोम नंबर जो है ये क्रोमोसोम जिसको कहते हैं टू ये इंसान का क्रोमोसोम टू है ठीक है जी अब टेलोमीर और सेंट्रोमीर टेलोमीर उस जगह को कहते हैं जहाँ के जहाँ पे जो के एंड्स होते हैं किसी भी क्रोमोसोम के ये हार्ड प्रोटीन होती है ये हार्ड प्रोटीन होती है जो कि बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर मौजूद डीएनए को किस चीज़ से बचाती है वियर एंड टीयर से ठीक है और ये एक खास पॉइंट होता है सेंट्रोमीर इसके अंदर जहां पे वीक प्रोटीन होती है और जब जब सेल्स बनते हैं या जब रेप्लिकेशन होती है सेल की तो ये जो डीएनए है यहां से दरमियान से ये टूटना जब शुरू होता है तो वो इस जगह से टूटता है और इसकी दरमियान से कट के दो स्ट्रैंड्स बन जाती हैं और इसके बाद दो स्ट्रैंड जो हैं वो मजीद आगे कनीसन जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है फिर ये इनको दोबारा यानी आधा जो हुआ होता है इसे दोबारा बना के पूरा कर देती है तो यानी दो स्ट्रैंड बन जाती हैं तो सेंट्रोमीयर से टूटना शुरू होता है टेलोमीर जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक क्रोमोसोम के एंड्स के ऊपर होते हैं अच्छा अब ये आप देखें ये जो इंसान का क्रोमोसोम टू है ये और ये चम्पैनजी का एक क्रोमोसोम टू ए है और दूसरा क्रोमोसोम टू बी है ठीक है जी तो जो इंसान का क्रोमोसोम टू है उसका ये यहां पे ये सेंट्रोमीर है ठीक है मगर इंसान का जो क्रोमोसोम टू है उसके अंदर यहां पे एक डेड सेंट्रोमीर है ठीक है जिसका जेनेटिक सीक्वेंस बिल्कुल चमपैनजी के क्रोमोसोम टू ए से मिलता है मैच करता है तो इंसान की एवोल्यूशन में क्या हुआ किसी वक्त जो जिस तरह जो ग्रेट एप्स हैं उनमें ये जो दो क्रोमोसोम टू ए और टू बी, जो कि दो अलग क्रोमोसोम्स थे वो किसी वजह से एक ऐसी म्यूटेशन हुई कि दोनों जुड़ के एक क्रोमोसोम टू बन गया तो ये बेसिकली इस बात का सबूत है कि इंसान और जो चमपेन्जी हैं वो दोनों एक वक्त पे जो हैं वो एक ही एंसेस्टर जरूर रखते थे मगर इस जब इंसान इवॉल्व हुआ मजीद आगे तो उसमें किसी वक्त इस तरह हुआ कि इंसान ने क्या किया इंसान का जो डी डी एन ए का क्रोमोसोम टू है वो इन दोनों क्रोमोसोम्स के मिलने से एक ही क्रोमोसोम बन गया और इंसान के चौबीस के बजाय तेईस क्रोमोसोम्स हो गए ठीक है तो अब यहाँ पे जैसे ये जो जगह यहाँ पे फ्यूजन पॉइंट मिलता है यानी जहाँ पे निशानत मिलते हैं टेलोमीर्स हैं यहाँ पे इस जगह पे डेड टेलोमीर्ज हैं जो कि क्रोमोसोम थ्री हमारे क्रोमोसोम टू के अंदर ये यहाँ पे इस जगह पे जो फ्यूजन पॉइंट है उस जगह पे हमारे पास क्या है ये बने हुए हैं टेलोमीट्स ठीक है जी तो अब ये जो सीक्वेंस है बेसिकली ये मौजूद है इंसान के क्रोमोसोम के अंदर और अच्छा तो ये जो साइट है जहाँ पे इंसान का क्रोमोसोम टू जो है वो मैच करता है उन टेलोम से जो कि चम्पेन् के, के क्रोमोसोम टू और टू टू ए और टू बी के हैं, ये दोनों इस जगह पे आपस में जुड़े हुए हैं इंसान के क्रोमोसोम टू के अंदर तो इवन के ये पूरा एक सीक्वेंस भी है और यहां पे ये फ्यूजन साइट है जहां पे ये दोनों क्रोमोसोम आपस में फ्यूज हुए और इवन के जो जेनेटिक सीक्वेंस जो कोड किया गया उसके मुताबिक भी हमें ये नज़र आता है कि ये जो जगह है अगर इन इस जगह पे जो कि फ्यूजन पॉइंट है अगर हम जो तोड़ें दोनों को तो हमें एग्जैक्टली वही सीक्वेंस मिलता है जो कि चम्पैनजी के क्रोमोसोम टू ए और टू बी के अंदर मौजूद है तो ये है जी ये है वो सिचुएशन जो कि हमें नज़र आती है कहाँ पे इधर पूरी सिचुएशन जो हमें नज़र आती है इंसान की एवोल्यूशन की और इंसान किस तरह से दूसरे प्राइमेट्स के साथ जुड़ा हुआ है तो बेसिकली पहले तो लोग यही समझते थे कि हाँ जी इंसान जो है वो मतलब मजहबी लोग तो इस बात को ये सबूत ले रहे थे कि क्रोमोसोम इंसान के तेईस हैं और दूसरे जानदारों के चौबीस हैं तो इंसान जो है वो वो दूसरे जानदारों से जुड़ा हुआ नहीं है इंसान एक स्पेशली ऑन द सिक्स डे जिस तरह आदम के बारे में कहा जाता है कि छठे दिन आदम को बनाया गया तो इंसान छठे दिन स्पेशली बनाया गया और इसका किसी भी दूसरी तरफ किसी दूसरे जानदारों से कोई तल्लक़ नहीं है मगर जब इस चीज़ को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया गया तो फिर देखने में ये सामने आया कि इंसान तो बिल्कुल ही मतलब सौ फीसद ये बात साबित हो रही है कि इंसान वाकई इन दूसरे जानदारों से जिन्हें हम शायद अपने साथ इसलिए नहीं रिलेट करना चाहते कि बंदर हमें बड़े अनसिविलाइज लगते हैं बड़े बुरे लगते हैं और उनकी शक्लें भी हमें अच्छी नहीं लगती इसलिए हम उनके साथ रिलेट नहीं होना चाहते हैं। मगर अगर देखा जाए तो हम उनके साथ जेनेटिकली रिलेट हैं और हमें हमें पता है कि वो वही हमारे सबसे करीबी cousins हैं इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्राइमेट्स जितने भी हैं प्राइमेट्स जो हैं वो चाहे वो बनोबो हों चाहे रंगाटान हो चम्पैज़ी हों चाहे गोरीला हों ये ज़मीन पे इंसान के बाद पाए जाने वाले सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं इवन के चम्पैज़ीज और बनोबोज़ के अंदर और और, और टाइम्स के अंदर आपको प्रेमेटिव टूल्स भी नज़र आ जाते हैं इन्होंने अगर करना हो किसी को मतलब पत्थरों से ये नट्स को तोड़ के खा लेंगे और भी बड़ी चीज़ें इवन के लड़ने में भी पत्थर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये जो है ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और इनका दिमाग की जो साख है वो भी इंसान से मिलती जुलती है और इनका जो बॉडी मेकअप है वो भी इंसान से बहुत ज़्यादा मिलता है और आपको पता है कि जितने भी ड्रग्स आप लेते हैं जब जो भी दवाइयाँ आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं इनके जो लेटर एनिमल स्टेज के ट्रायल्स होते हैं उनमें हमेशा ही चम्पैनजीज़ को बनोबोस को या औरगाटानस को यूज़ किया जाता है और उसके बाद ही किसी भी ड्रग को अलाउ किया जाता है कि उसकी इंसानों पे टेस्टिंग हो तो इसका मतलब है और इनकी कई डिजीज़ जो हैं वो भी आपकी और इनकी जो है वो सिमिलर हैं और वो इवन के इंसान की बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो इनको भी होती हैं डायबिटीज़ के इशू हैं इनके अंदर और बहुत सी चीज़ें जो हैं इनके अंदर पाई जाती हैं जो कि इंसान के अंदर पाई जाती हैं तो बेसिकली जेनेटिक एविडेंस जो कि जिसको मैंने कहा था कि ये एवोल्यूशन की स्मोकिंग गन है इसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा कोई भी ऐसे शक की गुंजाइश नहीं बचती कि इंसान जो है वो ये समझे कि जी जो है हम किसी जगह अलहदा इवाल्व हुए हैं हम उसी जगह इवॉल्व हुए हैं उन्हीं जानदारों सेव हुए हैं जिन्हें हम जिनके साथ हम रिलेट करना पसंद नहीं करते मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्री पर मेरे चैनल के मैंबर बने इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके